उज्जैन मध्य प्रदेश कर्मचारी जगत में एकमात्र पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश भर में 3000 पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण और चिंतन शिविर में संगठन के प्रति निष्ठावान होकर सरकार के साथ प्रदेश के विकास में सहभागी बनने की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के संभागीय कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि आगामी 21-22 सितंबर को स्थानीय महाकाल रिसोर्ट चिंतामन में भव्य एवं ऐतिहासिक राज्य स्तरीय पदाधिकारी चिंतन शिविर समारोह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल, प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, गृह मंत्री बाला बच्चन, कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी और युवा विधायक कुणाल चौधरी के आतिथ्य में संपन्न होगा। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश की 2300 सेक्टर इकाइयों से सेक्टर प्रभारी, 313 ब्लॉक अध्यक्ष, 3 सदस्यों की कार्यकारिणी सहित संपूर्ण कार्यकारिणी निर्धारित यूनिफॉर्म सफेद शर्ट और ब्लैक पेंट में भाग लेंगे। सम्मेलन के विभिन्न चरणों में प्रदेश के 52,000 गाँवों में जनता के प्रति जवाबदेह रहकर समय पर अपने दायित्व का निर्वहन करने और संगठन के संचालन के तौर तरीकों पर अभिनय के रूप में काम करने प्रस्तुति देकर प्रशिक्षण लेंगे। इसके उपरांत शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत संगठन उज्जैन संभाग की ओर से संभाग अध्यक्ष के बाद आज संभाग कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के हमारे पदाधिकारी शर्मा जी, जगदीश सैन जी और अखिलेश पंड्या जैसे सब पदाधिकारी हैं और संगठन पंचायत सचिवों का 21 और 22 सितंबर में उज्जैन में बहुत बड़ा भव्य आयोजन राज्य स्तरीय होने जा रहा है, जिसमें 3000 पदाधिकारी प्रदेश के 313 जनपदों से आके भाग लेंगे। कुछ तैयारी को लेकर के आज की बैठक आहूत की है। कहाँ पर की जाए? उज्जैन के चिंतामन गणेश में महाकाल परिसर में बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी जी, सज्जन जी वर्मा जी, कुणाल चौधरी जी, हमारे विभाग की अपर मुख्य सचिव और हमारे दिल्ली से पंचायत विभाग के ACS अरुणा शर्मा आदि भाग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।